नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उदय क्लासेस में। उदय क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज इतिहास का एनिशियंट इंडिया का पार्ट 10 होगा, जो कुषाण वंश होगा। इससे पहले हमने जितने भी विदेशी आक्रमणों के बारे में बताया तो उनका एक क्रम बताया था, सही क्रम, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा। उसमें सबसे पहले जो आक्रमण हुआ वो यूनान यवन आक्रमण हुआ, और उसके बाद जो आक्रमण हुआ वो किसका हुआ, शक हुए, और शक के बाद पहलव आए, और पहलव के बाद जो अगला वंश आया वो कौन सा आया, कुषाण वंश। तो आज हम जो बात करेंगे वो कुषाण वंश के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुषाण वंश के बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में कुषाण कहाँ के निवासी से, इनके बारे में क्या थ्योरी मिलती है, क्या इनके बारे में इतिहास मिलता है। तो सबसे पहले हम इनकी बिल्कुल पृष्ठभूमि से बात करते हैं, कुषाण वास्तव में कौन लोग थे, कहाँ से आए, कैसे आए, और इनका भारत में आने का क्या प्रायोजन था। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कुषाण वंश थे, देखो इसकी थ्योरी जो मिलती है वो दो प्रकार से थ्योरी मिलती है भारतीय इतिहास में। अभी हमें पढ़ना इतना डीपली जरूरी नहीं था कि हम इन्हें कुषाणों को पढ़ें तो बिल्कुल इनके घर से या बिल्कुल पृष्ठभूमि से पढ़ें, लेकिन आज का दौर ऐसा ही आ गया है कंपटीशन का कि जो कुछ भी बोल रहा है वो डीपली पूछ रहा है। आजकल ये नहीं पूछता है कि बताओ कुषाणों का सबसे प्रतापी राजा कौन था, बस आपने पढ़ा ल्यूसेंट वगैरह में थ्योरी में पढ़ा कि कनिष्क था, बस कहानी खत्म। नहीं, बस पूछ कहाँ से आए कि सबसे पहले बताओ ये कुषाण लोग थे कौन, कहाँ से आए, क्यों आए, इनका क्या प्रायोजन था भारत में आने का। ये सब बातें हम आज ध्यान में रखते हुए कुषाणों के बारे में पढ़ते हैं, और सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं तो इनके जो इतिहास मिलता है वो दो प्रकार से मिलता है। इनका जो कुषाणों का जो इतिहास मिलता है वह दो प्रकार से मिलता है, कि वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कुषाणों के जो भाग बांटे गए दो भागों में बांटे गए। एक कुषाण जो थे वह तुर्की से बताए जाते हैं कि ये कहाँ से आए, तुर्की से आए। तुर्की मतलब तुर्क कौन लोग थे, ये तुर्क लोग थे, और एक तुर्की देश पड़ता है, अरब देश है, तो वो कहाँ, तुर्की पड़ता है, अरब सागर की तरफ पड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहली बार जो सबसे पहले इनके बारे में बताया गया वो यह बताया गया कि जो कुषाण भारत में आए वो कहाँ से आए, तुर्की से आए थे। लेकिन भारतीय इतिहासकार इन्हें जो बताते हैं वो मंगोलों के जनजातियों से बताते हैं, और जो ये मंगोल जनजाति थी ये चीन से थी। कहाँ से थी, अब देखो क्वेश्चन होता कहाँ है गलत। सबसे बड़ी परेशानी कहाँ होती है कि सबको पता है कुषाण जब आए थे ये चीन के यूची कबीले से भारत आए थे, चीन के यूची कबीले से भारत आए थे, लेकिन कह दिया गया कि बताओ तुर्क इतिहासकारों के अनुसार वास्तव में कुषाण कहाँ के निवासी थे, तो आप कहोगे तुर्की के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, तुर्की। लेकिन आए क्वेश्चन भारतीय इतिहासकारों के अनुसार, या बोले भारतीय इतिहास के अनुसार, या फिर डायरेक्टली बोल दे कि बताओ कुषाण कहाँ के शासक थे, तो आप करोगे कहाँ के थे, चीन के थे। ठीक है, भारतीय इतिहासकार क्या मानते हैं, ये चाइना से आए थे, चीन से आए थे, जबकि तुर्की जो लोग आए बाद में, देखो भारत में आने वाला पहला तुर्क सम्राट कौन था, बता सकते हो आप, भारत में आने वाला पहला तुर्क जो था वो इल्तुतमिस था। कौन था, पहला इलवरी तुर्क था, पहला इलवरी तुर्क कौन था, इल्तुतमिस था, और दूसरा इलवरी तुर्क जो था वो बलवन था। कौन था, ये सभी आपको पढ़ाए जाएंगे मध्यकालीन भारत में, पहला इलवरी तुर्क इल्तुतमिस था, दूसरा इलवरी तुर्क बलवन था। तो इनके साथ जो लेखक आए उन्होंने बताया कि हम कोई नए नहीं हैं, हम बहुत पुराने हैं, कि हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे, कुषाण थे, और वो कुषाण कहाँ से आए थे, तुर्क से ही आए थे। कहाँ से आए थे, तुर्क से आए थे। लेकिन भारतीय इतिहासकार कहते हैं यार तुम क्यों पागल बनाते हो, अब एक बात बताओ, अगर ये तुर्क से आए थे तो तुर्क में तो सभी मुसलमान लोग रहते थे आप लोग, लेकिन जब यह कौन आए थे, कुषाण जो आए थे, कुषाण ये मंगोल जाति थी इनकी, कुषाण जो आए थे यह तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को मानते थे। आपने देखा कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसी के समय चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, फिर मुसलमानों को तो यहाँ पर कोई नाम आता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको जो करना है बस, आए कुषाण कहाँ से आए, तो आप करोगे चीन के यूची कबीले से आए, लेकिन आए तुर्की निवासियों के अनुसार कुषाण कहाँ से आए, तो आप करोगे तुर्की से आए थे। कहाँ से आए थे, तुर्की से आए थे। अब देखो यहाँ पर यह नाम आया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, कि चीन जो था, चीन में एक स्थान था जिसका नाम था यूची कबीले।
कौन सा स्थान था? यूची कबीले। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह पुट होता है कि जो कुषाण आए वो चीन में कहां से आए, चीन में एक स्थान था जिसका नाम था यूची कबीले। अब यहां पर ध्यान देंगे ये नाम क्यों रखा और यूची कबीले का वास्तव में मतलब क्या होता है। देखो यहां एक जनजाति रहती थी जिस जनजाति का नाम था यूची। क्या नाम था? यूची जनजाति थी। और इसका मतलब होता था, यूची का जो मतलब होता था ये खाना देश से होता था। पूछ लेता है यूची का अर्थ क्या होता है, खाना देश से होता था। और खाना देश का वास्तविक अर्थ होता है कि एक ऐसी जनजाति, एक ऐसे लोग जो कभी एक स्थान पर नहीं टिकते बल्कि चारागाह की किसमें प्रतीक्षा में चारागाह के लिए सब जगह जगह पर क्या करते रहते हैं, फिरते डोलते हैं। मतलब समझ में आना चाहिए कि यह एक ऐसी जनजाति हुआ करती थी जिनका कोई एक निवास स्थान नहीं होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि आज यहाँ पर हैं, अगर यहाँ चारागाह खत्म हो गया तो यहाँ जाने के बाद कहाँ चले जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। जैसे आर्य जो थे, आर्य जो भारत में आए वो माइनर एशिया मध्य एशिया से आए, और जब वह भारत में आए थे तो उनका मुख्य पेशा क्या था, उनका मुख्य पेशा जो था वो पशुओं को चराना था, गायों की रक्षा करना था, गायों को चराते थे। तो वो पशुओं को चराते चराते ही तो भारत में आए थे। अब मान लो वो वहां से आए अफगानिस्तान रहने लगे, तो अफगानिस्तान में जब तक चारागाह था, घास थी, मैदान थे, जब तक वो चराते रहे, अब वहां चारागाह समाप्त हो गया तो उन्होंने वहां कोई आवास थोड़ी बनाया अपना, फिर कहां आ गए, भारत में आ गए। अब जैसे ही भारत में आए तो भारत में ऐसा चारागाह मिल गया, कहां रहे, जम्मू कश्मीर की तरफ रहे, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं वहां पर, शीतोष्ण ही तो है वहां पर, ठंडी मिलती है, तो वो लोग यहाँ पे रहने लगे। सेम कंडीशन इन लोगों की होती थी कि यूची का जो मतलब होता है वो खाना देश से होता है। और खाना देश का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जनजाति, एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो क्या करें, जो किसी एक जगह या किसी निवास स्थान नहीं बनाते बल्कि अपने चारागाह के लिए वो जगह जगह क्या करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो आज अगर हम वर्तमान में बात करें यूची कबीले की, तो आज ये तो पहले की बात है, कब की, प्रथम शताब्दी की, कब की बात है, पहली शताब्दी में ही तो आए थे कुषाण भारत में। तो और आज चल रहा है 2018, और आज की बात करें तो आज भी चाइना में ये लोग रहते हैं, लेकिन यह लोग आज भी वही जनजाति है जो पहले हुआ करती थी। और मतलब आज भी जो चाइना की सीमा रेखा है, जितने भी देशों से उस सीमा रेखा के आसपास रहने वाले लोगों को आज भी क्या कहा जाता है, यूची कबीले कहा जाता है। क्लियर, क्या कहा जाता है, मतलब इनकी स्थिति आज से 2018 वर्ष भी पहले यही थी और आज भी इनकी स्थिति क्या है, यही है। भारत की बात नहीं कर रहा बल्कि कहां, चाइना में। तो ये यूची कबीले कौन लोग हैं, खाना देश लोग हैं, और इनका काम क्या होता है कि किसी एक स्थान पर न रुकना बल्कि चारागाह की दिशा में क्या, जगह जगह इनका घूमना फिरना क्या होता है, यूची कबीले कहलाते हैं। क्लियर, हाँ आज भी वर्तमान में भी यही है इसका, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब ये जो यूची जनजाति थी, तो आप यहां ध्यान रखेंगे पहले यह जनजाति जो रहती थी वो क्या रहते थे, एक परिवार बनाकर रहते थे और उनका कोई एक मुखिया नहीं हुआ करता था, कोई मुखिया नहीं हुआ करता था, बस परिवार बनाकर रहते थे, घूमते फिरते, मतलब जो जिसके मन में आए वही करता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, तो आप ध्यान रखेंगे ये बात थी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की, ईसवी की बात नहीं कर रहा, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की, मतलब कैलेंडर लागू हुआ उससे 2 साल पहले की बात थी कि ये यूची कबीले की जनजाति थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसे ही बिखरते रहे, हमारे ऊपर कोई एक व्यक्ति शासन करने वाला न हुआ, मतलब हमारी कोई रक्षा करने वाला न हुआ, तो आने वाले समय में ये निश्चित है कि ये यूची कबीले के लोग जो लोग हैं ये मारे जाएंगे। तुम्हें पता है कि अगर प्राचीन भारत पढ़ा, तो प्राचीन भारत के लोग जो थे, जिस समय हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन आई, सिंधु सिविलाइजेशन आई, उस समय के लोग क्या चाहते थे, वो लोग सिर्फ दो ही चीज चाहते थे, एक तो उन्हें समय पर भोजन मिले और दूसरा क्या मिले, उन्हें रक्षा हो, क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। तो सेम कंडीशन इन लोगों की थी, यह भी समय पर भोजन चाहते थे और इन्हें क्या चाहिए, इनकी रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति हो। सेम कंडीशन समझना, देखो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जब प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता आई, सिंधु सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता आई, जैसे ही वैदिक सभ्यता आई तो वैदिक सभ्यता में पहले क्या था, भोजन करते थे, कैसे भोजन करते थे हमारे यहाँ के लोग सिंधु सभ्यता में, बस जानवरों को मारा, मारने के बाद कच्चे ही खा गए उन्हें। और रक्षा से कैसे करते थे कि पहाड़ों पत्थरों में रहते थे, उन गुफाओं में रहा करते थे,
लेकिन जैसे जैसे जीवन निर्वाह होता गया तो फिर क्या हुआ आगे आगे उन्हें डर लगने लगा कि ये जो जीव जंतु है ना, ये जानवर हैं, ये भी इनके लिए क्या हो सकते हैं, हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारे यहाँ के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग, ऐसे करके ये जनजातियाँ रहा करती थी, तो इन्होंने चुना के बांध लिया, एक जगह पर लगभग 500 लोग रहते हैं और उनमें जो सबसे ज़्यादा बलवान व्यक्ति है, जो सबसे ज़्यादा बलवान ताकतवर है, उसे क्या बना दिया, राजा बना दिया। उसे क्या बना दिया, राजा बना दिया। मतलब ये हुआ कि 10-12 वर्ष तक, 20 वर्ष तक यही शासन करेगा। और इस राजा का काम होता था कि अपनी सेना खुद संगठित करे और जितने भी परिवार वाले लोग, जितने भी ये समुदाय लोग रहते हैं, इनकी क्या करे, रक्षा करे। तो ये अब एक बात हो, जब रक्षा करेगा तो काम क्यों करेगा, काम कौन लोग करते थे, ये समुदाय करता था। और इससे क्या देता था, टैक्स देता था, कर देता था, जिससे कि ये सेना का क्या करे, संरक्षण करे। तो अब क्या हुआ, यहां पर पहले राजा भारत में, मतलब प्राचीन भारत में राजा कैसे बनता था, एक शक्तिशाली, मतलब उसके शरीर को देखते हुए जो कि कई कई लोगों को मार सके। अब जब यह बात चलती रही, उत्तर वैदिक काल आया, वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल आया, बौद्ध धर्म आया, और जैसे ही यह बात आई कब, 500 ईसा पूर्व, और यही जो राजा कैसे चुना जाता था, ताकत के दम पर चुना जाता था, शक्तिशाली के दम पर चुना जाता था, वही राजा क्या बन गया, वंशानुगत शासन। क्या बन गया, वंशानुगत शासन बन गया। मतलब पहले कौन चुनते थे, ये समुदाय के लोग चुनते थे, मतलब जो शक्तिशाली होगा वही राजा बनेगा। लेकिन अब ये पद खत्म हो गया कि कोई शक्तिशाली नहीं, चाहे उसमें 5 किलो वजन हो, लेकिन राजा कौन बनेगा, वंश से ही बनेगा, उसके राजा से ही बनेगा। सेम कंडीशन ही यूची कबीले वालों की हुई, सुनना, सेम कंडीशन हुई किसकी, यूची कबीले। अब यह लोग भी कैसे रहते थे, ऐसे ही बनके रहते, इन्हें भी डर था अपनी रक्षा करने का। तब इन्होंने एक पद सृजित किया जिस पद का नाम दिया यूची। नाम तो इनका पहले यूची कबीले ही था, लेकिन उस राजा का भी नाम इन्होंने क्या दिया, यूची दिया। जो सबसे पहले चुना गया राजा जो था वो कौन था, यूची था। अब जैसे ही राजा बना तो इसे भी अभिमान हो गया, बोला मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा हूं, और यह प्रजा पर अत्याचार भी करने लग गया। जैसे ही अत्याचार करने लगा, प्रजा फिर संगठित हुई और इस राजा को हटा दिया। फिर यहां से एक और राजा है जिसका नाम हुआ यूची द्वितीय। राजा का नाम कोई भी हो, लेकिन जैसे ही वह राजा बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, यूची होगा। नहीं समझ में आई, द्वितीय हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। अब क्या होता है, देखो ये यूची द्वितीय बैठा, बड़ा शक्तिशाली राजा था ये। अब उसी समय एक और शक्तिशाली राजा रहता था जो एक दरबारी राजा था, कोई जनजाति का राजा नहीं था, कहां का, चाइना का ही, और जिसका नाम था हिंगनू। ऐसे ही नाम तो होते हैं इनके, चाइना वालों के, नोट करते जाना इन चीजों को। यूची द्वितीय के समय एक और शासक रहता था जिसका नाम था हिंगनू, और जो हिंगनू था यह चाइना का सबसे शक्तिशाली राजा था। अब यूची द्वितीय ने कहा मेरे साथ बहुत बड़ा सैलाब है, बहुत बड़ा समुदाय, इस पर आक्रमण न कर दूं और इसे मार दूं, इसे मारने के बाद क्या होगा, हम और बड़ा राज्य स्थापित कर लेंगे। अब इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, लेकिन इसमें हिंगनू जीत जाता है, और जैसे ही जीत गया तो यूची कबीले की जितनी भी क्या थी, प्रजा थी, इसने मजबूर कर दिया यहां से भागने के लिए। ये भागते आए, आप देखो ये भारत में प्रवेश कर रहे हैं, वहां से इन्हें भगा दिया। इतनी छोटी जनजाति जो चाइना से निकाल दी गई और भारत में आके इसने क्या किया, शासन किया। हाँ वही तो हम बता रहे हैं। अब हिंगनू ने क्या किया, इन्हें भगा दिया। भगा कर ये चलते आए, तो आप ध्यान रखेंगे जैसे ही तिब्बत पर आए, तो तिब्बत पर आकर यह दो भागों में विभाजित हुए। एक भाग हुआ जिसे कहा जाता है लघु यूची, और एक कहा जाता है महान यूची। समझना, एक हो गया लघु यूची और एक हुआ महान यूची। और जो लघु यूची के लोग थे वो तो तिब्बत में ही रुक गए, और जो महान यूची के लोग थे वो कहां आ गए, भारत आ गए। तो भारत में आने वाले यूची कबीले का, समुदाय का क्या नाम था, महान यूची, या इनका दूसरा नाम था महान कुषाण। दूसरा क्या नाम था, महान कुषाण, ध्यान रखना।
जल्दी नोट करते जाओ इन चीजों को। अब देखो सुनो, अब जो कुषाण लोग थे इनका प्रथम जो शासक बना वो कुजल कुटफिसस बना, कुजल कुटफिसस, नोट कर लेना इन चीज को। कुषाणों का जो प्रथम राजा बना वो कौन बना? कुजल कुटफिसस बना। लेकिन यह भारत में नहीं आया था, ध्यान देंगे आप, ये कहां था? तिब्बती सीमा पर ही शासक बना दिया। और जैसे ही यह शासक बना तो इसने ही निर्णय दिया था कि हमें जाकर शासन जो करना चाहिए वो कहां करना चाहिए? भारत में करना चाहिए। कुजल फिसस जो था यह कुषाण वंश का प्रथम शासक था। और आप ध्यान रखें, ये कुजल कुटफिसस का ही दूसरा एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कुटफिसस द्वितीय। कुटफिसस कौन? सेकंड। और भारत में आने वाला पहला कुषाण शासक जो था वह कौन था? कुटफिसस द्वितीय ही था। जो कुछ भी दिशा दी, निर्देश दिया, ये किसने दिया? कुजल कुटफिसस ने दिया। लेकिन भारत में आने वाला पहला कुषाण शासक जो था वह कौन था? कुटफिसस द्वितीय था। जैसे यह भारत में आया, यह ईरान के माध्यम और अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में प्रवेश करते हैं। और भारत में प्रवेश करने के बाद आप यहां ध्यान रखेंगे, यह सबसे पहले वही पंजाब प्रांत पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं और यह भारत में रहने लगते हैं। लेकिन इनसे पहले भारत में कौन लोग रह रहे थे? शक। कौन लोग रह रहे थे? शक रह रहे थे। और तुम्हें मैंने बताया था उज्जैन का सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम। कौन था? रुद्रदामन प्रथम था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मार दिया था। और नहीं, किसे मारा था? रुद्र सिंह को मार दिया था। किसे मारा था? रुद्र सिंह को मार दिया था। तो शक बिल्कुल समाप्त हो गए थे। और शकों के बाद पहलव आए और पहलव भी क्या हो गए? समाप्त कर दिए। किसने किए? वो कुटफिसस द्वितीय ने किए। किसने किए? कुटफिसस द्वितीय ने किए। तो देखो, कुटफिसस द्वितीय भी कुषाण वंश का महान शासक हुआ। लेकिन लिखिए, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। लिख लो इस बात, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। देखो, जो क्वेश्चन आते हैं यहां से ज्यादा पूछे आते हैं भारतीय इतिहास में क्वेश्चन, आप थोड़ा यहां ध्यान देंगे। और यहां ध्यान देंगे तो देखो, कनिष्क को पढ़ते हैं हम, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। और यहां बताया जाता है, कनिष्क जिस समय भारत आया और जिस समय वह भारत की गद्दी पर बैठा तो यह 78 ईस्वी में बैठा। कब बैठा? 78 ईस्वी। देखो, प्रथम शताब्दी चल रही है, 78 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है। और यहीं से एक नया संवत आया भारत में, जिस संवत का नाम था शक संवत। क्लियर? इससे पहले वीडियो में विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी, जिसने शकों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। मालवा से कहां भेज दिया था? मथुरा भेज दिया था। तो वो कौन सा संवत था? विक्रम संवत। और यहां पर कौन सा संवत आया? शक संवत आया। तो अब क्वेश्चन यहां से आए, वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो आप करोगे शक संवत पर। किस पर है? शक संवत है। और शक संवत किसने प्रारंभ किया? तो आप करोगे कनिष्क। आप यहां ध्यान देंगे थोड़ा, यहां आप ध्यान देंगे, कनिष्क जो था जैसे ही भारत में आया, तो मैंने बताया था जब यूनानी भारत आए थे, मतलब यवन भारत आए थे, तो एक तो यूनान से भारत आए, तो यह जैसे ही भारत में आए तो इन्होंने एक शैली चलाई जिस शैली का नाम था यूनानी शैली। कौन सी शैली थी? यूनानी शैली। इधर भारत में एक और शैली चलती थी जिसका नाम था मथुरा शैली। कौन सी शैली थी? मथुरा शैली। जब यूनान भारत में आए तो इन दोनों ने इस शैली को मिला दिया, यूनान प्लस मथुरा शैली, और यहां से बनी एक नई शैली जिसका नाम था गांधार शैली। जिसका क्या नाम था? गांधार शैली। समझना थोड़ा, गांधार शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग जो किया वो कनिष्क ने किया। किसने किया? कनिष्क ने किया। तो आप यहां पर नोट करेंगे कि कनिष्क जो किस शैली को मानता था? वो गांधार शैली को मानता था। और कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी।
कहाँ थे? पुरुषपुर। जो पुरुषपुर का आधुनिक नाम जो है वो है पेशावर, और पेशावर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। क्लियर। कनिष्क की जो राजधानी थी वो वास्तविक राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी, और पुरुषपुर का आधुनिक नाम क्या है भैया? पेशावर है, और पेशावर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। जबकि कनिष्क की एक और राजधानी थी दूसरी, जो वो मानता था मथुरा को। आप देखो मथुरा से बहुत प्रेम करता था ये। इसकी प्योर बिल्कुल प्रॉपर राजधानी जो थी वो पेशावर में थी, पुरुषपुर कहां? पाकिस्तान में। लेकिन मथुरा को भी ये अपनी राजधानी मानता था और मथुरा शैली को अपनाता था। अब यहां पर ध्यान देंगे, देखो बड़ा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि यहां पर एक नाम आया यूनान शैली और एक नाम आया मथुरा शैली, दोनों में अंतर क्या होता है? सुनो, कभी आप संग्रहालय गए हो, म्यूजियम गए हो, और वहां पर महापुरुषों की बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है? मूर्तियां पाई जाती हैं जो पत्थर की बनी होती हैं, और उन पत्थर की मूर्तियां वहां जो पाई जाएंगी वो तीन प्रकार की पाई जाती हैं, समझना, भारत की बात कर रहा हूं वर्तमान में, तीन प्रकार की पाई जाती है। और पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, अगर ये मूर्ति इस रंग की बनी हुई है तो बताओ यह कौन सी शैली की है? तो आप ध्यान रखेंगे कि जिस मूर्ति जो मूर्ति जो बनी हुई है और उस पर जो रंग का या कलर का जो लेप हो रहा है, अगर वह काली मूर्ति है, कैसी है? काले पत्थर की मूर्ति है, तो उसका मतलब हुआ कि वह यूनान शैली की मूर्ति है। और जो मूर्ति या जो पत्थर लाल रंग का है जिस मूर्ति पर, वह कौन सी शैली की है? मथुरा शैली की। और अब यहां ध्यान रखेंगे, काली और लाल दोनों को मिलाकर जो शैली बनाई जाती है वो कौन सी शैली हो जाती है? गांधार शैली हो जाती है। तो आप यहां ध्यान रखेंगे, देखो यूनान के एक देवता थे जिनका नाम था अपोलो, समझ लेना, थोड़ा समझना, देखो ये अच्छी तरह याद हो जाएगा तुम्हें। यूनान के एक देवता थे, प्राचीन देवता थे बहुत ज्यादा, जिनका नाम था अपोलो, और अपोलो जो थे ये बिल्कुल ब्लैक थे, फुल ब्लैक है ना, पूरे काले थे। क्यों? कि यूनान के लोग जो हैं, यूरोपीय लोग हैं, यूनानी लोग हैं, ये कैसे लोग होते हैं? सफेद होते हैं, भूरे होते हैं, गोरे होते हैं। लेकिन ये अपोलो जो थे कैसे थे? काले थे, विपरीत मामला था। अब लोगों ने कहा कि हमारे भगवान काले हैं तो हम यहाँ की शैली को भी काली मान लेते। तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई भी प्रतिमा काले पत्थर से बनी हुए तो बताओ वह किस शैली का उदाहरण है? तो आप करोगे यूनान शैली। अगर कोई प्रतिमा लाल पत्थर से बनी हुई है तो वह किस शैली का उदाहरण है? तो आप करोगे मथुरा शैली का उदाहरण है। क्लियर है यहां तक? आगे सुनो, अब इन दोनों को मिला दो, गांधार शैली का कलर बन जाए जो, वो देख लेना, मैंने देखी नहीं है। अब आप देखो, आगे देखो, यहां पर देखो, अब यहां पे क्या होता है, यह अपनी राजधानी जो थी है, एक कहां थी इसकी? पुरुषपुर थी, और दूसरी राजधानी कहां थी? एक राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी, और इसकी दूसरी राजधानी कहां थी? मथुरा। अब देखो आप, जैसे ही यह क्या हुआ, शासक बना, शासक बनने के बाद इसने बहुत युद्ध जीते। आप यहां देखो, इसके विजयी वर्णनों का, विजयी जो अभियान थे उनका वर्णन करते हैं। एक चाइना का ही बहुत बड़ा शासक था जिसका नाम था पांचोवा, जिसका क्या नाम था? पांचोवा था, और इसका पहला युद्ध ही पांचोवा के साथ हुआ, समझना। और यह युद्ध भारत और तिब्बत की सीमा पर हुआ, जिसमें कनिष्क पहली बार में यह युद्ध हार जाता है। लेकिन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भारत आया, और जैसे ही भारत आया तो फिर इसका द्वितीय युद्ध जो होता है वो पांचोवा से ही होता है, और इसने पांचोवा को वहां क्या कर दिया? मार दिया। मारने के बाद यहां यह विजयी हो जाता है। इसी प्रकार इसने, आप ध्यान रखेंगे, लाल सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, इन सभी सागरों को विजित कर लिया था। और आप यहां ध्यान रखेंगे कि प्राचीन भारत में इन सब में सबसे ज्यादा बंदरगाहों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? कनिष्क था। कौन था? नहीं, बंदरगाहों का प्रयोग तो सबने किया, चोल वंश ने भी किया, इन सब ने किया, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग जो किया वो किसने किया? कनिष्क ने किया था। अब यहां पर ध्यान दो, देखो कनिष्क ने इन सब का प्रयोग किया। कनिष्क जो था, जैसे ही गद्दी पर बैठा तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, और यह बौद्ध धर्म को मानने लगा। तो यहां से यह बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में किसके समय हुई? तो आप करेंगे
कनिष्क के समय हुई। और कहाँ हुई तो आप ध्यान रखेंगे ये कुंडल वन में हुई, और कुंडल वन जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब यहाँ पर अध्यक्षता की बात आती है, तो देखो यह पहली ऐसी संगति थी जिसमें एक अध्यक्ष भी बना और एक उपाध्यक्ष बना। तो आप ध्यान रखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की वो वसुमित्र ने की, किसने की, वसुमित्र ने की, और उपाध्यक्ष जो थे वह थे अश्वघोष। ध्यान रखना, पूछे पहली संगति थी जहां पर अध्यक्ष और क्या बने, उपाध्यक्ष बने। तो देखो चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय हुई, और इसकी अध्यक्षता जो की वो वसुमित्र ने की, और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे, अश्वघोष थे। कौन थे, अश्वघोष थे, ठीक है ना। देखो आगे यहीं पर आप ध्यान रखेंगे एक पुस्तक और लिख लें, महाविभास पुस्तक के लेखक, महाविभास पुस्तक के लेखक वसुमित्र थे। महाविभास पुस्तक के लेखक कौन थे, वसुमित्र थे। तो आप यहां ध्यान रखेंगे यह पुस्तक किस पर आधारित है, पूछ लिया जाता है, बौद्धों की सबसे पवित्र पुस्तक है क्या, महाविभास। बौद्धों में त्रिपिटक होते हैं, तीन पिटक होते हैं पता है आपको, सुत पिटक होता है, अभिधम्म पिटक होता है, तो ये क्या होते हैं, तीन पिटक होते हैं। तीनों पिटकों को मिलाकर एक पुस्तक बनाई गई जिसका नाम था महाविभास। क्योंकि बौद्धों का बारे में अगर तुम्हें सबसे अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है तो वो त्रिपिटक पढ़िए, त्रिपिटक पढ़ोगे तो आप अलग अलग पाठ को तीन भागों में पढ़ोगे, तो इसलिए क्या कर दिया, उन तीनों भागों को क्या कर दिया, एक कर दिया, उस त्रिपिटक को क्या कर दिया, एक कर दिया, जिसका नाम रख दिया महाविभास। और महाविभास पुस्तक के लेखक कौन है, वसुमित्र। हाँ, एक एक अलग अलग तीन थी, वो बौद्धों की पुस्तक थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देखो, अब यहाँ से आगे अगर बात करते हैं तो जो कनिष्क था, कनिष्क के समय से पहले बौद्ध धर्म की सिर्फ एक शाखा थी जो वास्तव में बौद्ध धर्म था, लेकिन जैसे ही कनिष्क शासक बना और जब चतुर्थ बौद्ध संगति संपन्न हुई तो कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, लिख लेना। पूछ लेता है किस शासक के समय हुआ, तो आप करोगे कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, जिसकी एक शाखा हुई जिसका नाम था हीनयान, और दूसरी शाखा थी जिसका नाम था महायान। हीनयान और महायान। अब देखो सुनना, पूछ लेता है क्वेश्चन कि बताओ जो कनिष्क राजा था वह किस शाखा का अनुयायी था, और यह अलग क्यों की गई। देखो समझना क्यों इनमें अंतर था कि हीनयान क्या थी, महायान क्या थी। इससे पहले जो मौर्य वंश का वीडियो था आपको उसमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में क्या किया था, जैन धर्म अपनाया था, और जैन धर्म की भी दो विभाजन हुए थे, और एक शाखा जो थी वो थी श्वेतंबर, और एक जो थी वो क्या थी, दिगंबर। पूछ लेता है जैन धर्म का विभाजन किसके समय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध धर्म का विभाजन किसके समय हुआ, कनिष्क। अब यहां से ध्यान रखो इन दोनों में अंतर क्या था। इनमें अंतर यह था क्योंकि जैन में जैनी जो थे, जैन धर्म का संस्थापक जो था वो ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव वह सब नहीं कर पाए, नाम दे दिया कि दुनिया में एक धर्म आना चाहिए जिसका नाम क्या हो, जैन धर्म हो। इस प्रकार उसमें 24 लोग आए जिन्हें तीर्थकर कहा जाता था, और 2400 लोगों ने खूब प्रयास किया, लेकिन अंतिम व्यक्ति जो आए वो महावीर स्वामी आए जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। तो महावीर स्वामी जिस प्रकार रहते थे, कि किस प्रकार रहते थे, कि उन्होंने इतना पाठ पूजा की, इतनी ज्यादा क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया, कि वो बिल्कुल नग्न अवस्था में तपस्या किया करते थे। तो जब जैन धर्म दुनिया में प्रकाशित हुआ तो जो लोग जैन धर्म मानते थे वो भी नग्न अवस्था में रहने लगे, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव समाज पर पड़ा। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय भद्रबाहु की अध्यक्षता में जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया, इसका सबसे बड़ा कारण था। एक भाग जो बनाया श्वेतांबर और एक भाग बनाया दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब ये था कि आप चाहो अगर जैनी बन रहे हो और नग्न अवस्था में नहीं रहना चाहते तो श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, अंबर का मतलब वस्त्र, आप सफ़ेद वस्त्र धारण
कर सकते हैं। तो जो जैनी सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं उन्हें कहा जाता था श्वेतांबर, और जो व्यक्ति कैसे महावीर स्वामी की तरह नग्न अवस्था में जंगलों में रहते हैं उन्हें कहा जाता था दिगंबर। अब बात आई यहां बौद्ध धर्म की, कि यहां भी यह दो भागों में हुआ, एक था हीनयान और एक था महायान। कनिष्क से पहले जो बौद्ध धर्म की एक शाखा थी वो हीनयान थी। आप यहां इतना ध्यान रखेंगे, कहा जाता है किस शासक के समय, छोटी छोटी किताबों में दिया जाता है किस शासक के समय बौद्ध धर्म दो भागों में बटा। बटा नहीं था, ये बटा नहीं था, इसमें परिवर्तन हुआ था। बस बटने का तो मतलब हो गया कि बिल्कुल अलग हिस्से कर दिए, ऐसा कुछ नहीं था। बस इतना था, आप चाहो तो मानो, आप चाहो तो दोनों को मानो। तो ये बटा हुआ कहां हो गया, बटा हुआ कहां हो गया, बटा हुआ तो ये नहीं भाई, ये बट गया, बस ये सब सिर्फ तेरा है, अब तू यहां नहीं आ सकता, ऐसा ही तो होता है। तो इसमें क्या था, आप चाहो तो इसे मानो, आप चाहो तो इसे मानो, या आप चाहो तो दोनों को मानो। कनिष्क के समय से पहले बौद्ध धर्म में क्या होता था, मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती थी। भगवान बुद्ध की पूजा तो होती थी, लेकिन मूर्ति की पूजा नहीं, बल्कि उनके चिन्हों की पूजा होती थी। उनके, ध्यान रखेंगे, हीनयान में क्या होता था, महात्मा बुद्ध के चिन्हों की पूजा हुआ करती थी। अब कनिष्क जब आया बोले चिन्हों से क्या मतलब है, मूर्ति की पूजा होनी चाहिए, तो इसने महायान में क्या कर दिया, मूर्ति की पूजा अनिवार्य कर दी। और भारत में बनने वाली पहली महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो बनवाई वो कनिष्क ने बनवाई, और जो मथुरा शैली से बनवाई, और कहां बनवाई, मथुरा में ही बनवाई, ध्यान रखना। इससे पहले महात्मा बुद्ध की एक भी मूर्ति नहीं थी, क्योंकि बौद्ध धर्म मानने वाले कभी महात्मा वो क्या मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। अब मूर्ति पूजा पर विश्वास किसने करवाया, कनिष्क ने करवाया, तो मूर्ति कौन बनवाएगा, कनिष्क ने ही बनवाई, जो मथुरा शैली में बनवाई। कहां बनवाई, और ये आपकी जो बनवाई वो 81 ईस्वी में बनवाई थी। कहां बनवाई थी, 81 ईस्वी में। अब आप ध्यान रखेंगे, पहला काम क्या था, चिन्ह। दूसरी काम कि जो हीनयान या बौद्ध धर्म पहले जो लोग मानते थे वह सिर्फ पाली भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, पाली भाषा का। लेकिन जैसे ही कनिष्क आया इसने कहा यार दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वो क्या है, संस्कृत है। तो इसने जो महायान में प्रयोग किया वो किस भाषा का किया, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। और यहीं से भारत में दोबारा से संस्कृत भाषा का प्रचलन हुआ। नहीं तो आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी व्यक्ति आए, जितने भी शासक आए, वो या तो पाली भाषा को मानते थे या प्राकृत भाषा को मानते थे। और यहाँ पर आते ही कनिष्क के समय से ही भारत में दोबारा से संस्कृत का प्रचलन हुआ। और जैसे ही प्रचलन हुआ तो गुप्तों की जो राजकीय भाषा बनी वो कौन सी बनी, संस्कृत ही बनी। गुप्त वंश है इसके बाद, और इसके बाद आएगा जो आएगा वो पुष्यमित्र होगा तुम्हारा, कौन सा, पुष्यभूति वंश आता है, ठीक है ना। फिर आपके दक्षिण भारत के राजा हैं, इनको देखेंगे बाद में। तो आप यहां ध्यान रखेंगे जो कनिष्क था यह कौन सी शाखा का हुआ, फिर महायान। कौन सी शाखा को मानता था, महायान को मानता था, क्लियर। तो आ जाता है कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का अनुयायी था, तो आप करेंगे महायान। वो एक यूनानी शासक था, उसका कुछ ऐसा ही नाम था, यूनानी शासक ने बनाई थी, भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं था, नहीं होती थी। कनिष्क की मूर्ति नहीं थी वो, बौद्ध धर्म की मूर्ति थी। अब तुम लगा लो ये पहली ईस्वी की बात है, पहली ईस्वी की बात थी ना, और उससे कितना 540 ईसा पूर्व की 400-500, तो वो एक क्या था, एक बस क्या बना दिया कि हम अनुभव के अनुसार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप एक बात और सुनो, मैं आपको एक बात बताऊँ, मथुरा में जो कनिष्क की मूर्ति मिलती है ना वो इस प्रकार मिलती है कि आप ध्यान रखो उसका धड़ तो है ही नहीं, कनिष्क की मथुरा भाई उसकी राजधानी थी ना, तो उसके साक्ष्य तो जरूर मिलेंगे यहाँ पर मथुरा में, तो इसका धड़ नहीं है, आज भी है मथुरा संग्रहालय में। और आप ध्यान रखेंगे क्या उसका धड़ है नहीं, और उसने हाफ पैंट पहन रखा है और जूते बड़े बड़े भारी पहन रखे हैं, लेकिन लोग उसे कनिष्क कहते हैं। हाँ सर, सर नहीं है, धड़ नहीं, सॉरी सर नहीं है, ठीक है ना। तो अब उसने बहुत भारी भारी जूते पहन रखे हैं, लेकिन लोग फिर भी उसे क्या मानते हैं, कनिष्क मानते हैं। क्यों, क्योंकि कनिष्क ने सिक्कों का प्रचलन किया था, शुद्ध सोने के सिक्कों का, और उस पर जो मूर्ति है, जो सिर है वो भी, और ये पूरी कंडीशन है, तो उन्होंने मान लिया, बोले ऐसे तो कौन है, कनिष्क ही है।
तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध की भी मूर्तियां जो मिली वो प्राचीन समय में किस पर थी, सिक्कों पर प्रचलित थी, ऐसे पत्थर से कोई भी बनाई हुई नहीं थी। क्लियर यहां तक? अब चलो देखो आगे। हाँ बोलो क्या कह रहे। संवत का मतलब होता है, देखो पहले कोई कैलेंडर तो हुआ नहीं करता था, कोई कैलेंडर तो होता नहीं था, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक संवत बना दिया। क्या बोल दिया, जैसे शताब्दी होती है 100 वर्षों का, ऐसे ही क्या बदल दिया, उसका नाम संवत रख दिया, एक निश्चित क्या समय निर्धारित करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो इससे आगे, अब यहां पर जो कनिष्क था यह मथुरा शैली और दोनों शैलियों को मानता था और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। लेकिन यहां से एक और बात आती है कनिष्क के समय कि कनिष्क जो था यह पेशावर में भी था, मतलब पुरुषपुर में भी था। कहां था? पुरुषपुर में। तो इसने 400 फीट ऊंचा क्या बनाया था, टावर बनवाया था। पूछ लिया जाता है कनिष्क का टावर कहां स्थित है, तो आप करेंगे पेशावर पुरुषपुर। वैसे कनिष्क का टावर के नाम से एक बिल्डिंग दिल्ली में भी फेमस है, लेकिन वो क्या है, पत्थर की बनी हुई है। लेकिन यह 400 फीट का ऊंचा टावर जो था पूरा लकड़ियों का बना हुआ, पूरा किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, जिसके कुछ अंश आज भी पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इसने कनिष्क का टावर कहाँ बनवाया, पेशावर में बनाया। और आप यहाँ ध्यान रखेंगे, कनिष्क ने सिल्क वे या फिर बोल सकते हैं रेशम मार्ग की खोज की थी। और आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि दुनिया में रेशम का जो उत्पादन करने वाला सबसे पहला देश था वो चाइना था, और दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है वो कौन करता है, चाइना ही करता है। लेकिन कनिष्क के समय की बात है कि उस समय भारत में रेशम का उत्पादन ज्यादा होता था, तो चाइना के लोग, देखो भुखमरी थी उस समय चाइना में, भारत तो उस समय सोने की चिड़िया था लेकिन चाइना में भुखमरी थी। तो आप यहां ध्यान रखेंगे कि जो सिल्क वे का नाम आता है, बहुत पूछ लिया जाता है कि उस समय चाइना के लोग भारत में आकर रेशम की चोरी करते थे, और जो कनिष्क था ये कहां का निवासी था, चाइना का ही तो था, लेकिन यह वास्तव में भारतीय बन गया था, भारत को ही मानता था। और जो व्यक्ति चाइना से आकर रेशम की चोरी करते थे उन्हें पकड़ा, मारा और इस सिल्क वे जो था इसे बंद कर दिया और ऐसा ऑर्डर दे दिया कि भारत के लोग जाओ चाइना में और वहां जाके क्या करो, चोरी उल्टी करके लाते थे फिर भारत के लोग। इतना महान शासक था कौन, कनिष्क। तो आप ध्यान रखेंगे, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिल्क वे को किसने बंद किया, तो यहाँ पर कौन होगा, कनिष्क होगा। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, आज का जो चैप्टर था वो कुषाण वंश से संबंधित था, इसके बाद जो अगला वीडियो या अगला चैप्टर जो बनेगा वो होगा गुप्त वंश से संबंधित। किससे होगा, गुप्त वंश से संबंधित होगा। और मेरा आपसे यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।